कि सारा दिन में कौन सी ऐसी बातें आती हैं, क्या ऐसा होता है, कौन ऐसा कुछ कह देता है जिससे हमारी खुशी गुम हो जाती है। हर एक के जीवन में बातें अलग अलग होंगी, लेकिन भावनाएं एक ही है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन भावनाएं हम सब महसूस करते हैं। कौन सी ऐसी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से मन कभी परेशान हो जाता है, कभी कभी अशांत हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है, तो कभी दुखी हो जाता है। चाहते हैं खुश रहना, चाहते हैं सबको खुशी देना, चाहते हैं खुशी परिवार में बांटना, लेकिन खुद ही परेशान और अशांत हो जाते हैं। क्या कारण बनता है? अपने जीवन के कारण ढूंढने हैं। जब कारण मिल जाता है तो निवारण करना बहुत इजी हो जाता है, सहज है बिल्कुल। कारण, मेरे जीवन में खुशी गायब होने का कारण। पिछले कुछ दिनों को ही देख लेना, कौन सी बात आई थी जिसमें मन हलचल में आ गया, ज्यादा सोचने लगा, परेशान होने लगा, कौन सी बातें आई थी? जिस जिसने अपने जीवन की बात ढूंढ ली हो कि कौन सी बात से मेरा मन अशांत हो जाता है, हाथ उठाएं जरा। उठा लो, अभी तक नहीं ढूंढा कौन सी बात में मन हिलता है। मिल गया? कौन सी बात आती है जिससे मन परेशान हो जाता है? कोई भी बता दो, कौन सी बात आती है? चलो बताओ बताओ, अपनी बात बताओ। कौन सी बात आती है जिससे मन परेशान हो जाता है? मैंने नहीं बताना, आपने बताना है। कौन सी बात आती है जिससे मन परेशान हो जाता है? भगवान याद नहीं रहता तो मन परेशान हो जाता है। और कोई बात है जी? अच्छा, ईर्ष्या होती है तो मन परेशान हो जाता है। और कोई बात? हाँ जी, अच्छा हाँ, मन के खिलाफ कोई बात होती है तो भी मन परेशान हो जाता है। मन बच्चों की चिंता से मन परेशान हो जाता है। और इस तरफ कोई और बात जिससे मन परेशान होता है? बहने उस तरफ नारी शक्ति दिवस है कल, कौन सी बात से मन परेशान होता है चेक करना है। किसी की बात न मानी जाए तो भी मन परेशान होता है। और कोई बात रह गई? हाँ जी, हाँ हाँ, हमने किसी से अपेक्षा रखी और उसने हमारी अपेक्षा पूरी नहीं की तो मन परेशान हो जाता है। अगर एक दिन हम लिस्ट बनाने शुरू करें, सिर्फ लिखते जाए, ये होता है तो मन हिलता है, ये होता है तो मन हिलता है, ये होता है तो मन हिलता है, तो बड़ी लिस्ट बनती जाएगी। और जो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार लिस्ट बन गई ना कि कारण क्या है, जैसे दुनिया में भी अगर कोई बीमारी होती है तो पहले ये देखा जाता है क्या खाने पीने से ये हुआ था, किस कारण से ये हुआ था। एक बार कारण मिल जाए तो निवारण करना बहुत आसान है।